नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे अरवल विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार अब चुनाव प्रचार के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाने लगे हैं। ऐसे में आज हम अरवल विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अरवल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अरवल जिले में है और यह जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। अरवल विधानसभा सीट पर भाजपा और माले के बीच में टक्कर है। भाजपा ने अरवल में दीपक शर्मा को टिकट दिया है तो वहीं माले ने नंद प्रसाद को टिकट दिया है। अरवल विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में चल रही राजनीतिक घटनाओं के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं अरवल के राजनीतिक घटनाक्रम को। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2015 विधानसभा चुनाव की। मौजूदा समय में इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से रविन्द्र सिंह विधायक निर्वाचित हुए थे। रविन्द्र सिंह राजद के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे और इन्होंने 55,295 वोट हासिल किया था। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की बात की जाए तो वो भाजपा के टिकट से चितरंजन कुमार चुनावी मैदान में उतरे थे। भाजपा से चितरंजन कुमार ने कुल 37,485 वोट हासिल किए थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच अंतर की बात करें तो 17,810 वोट का रहा था। अब बात करते हैं साल 2010 की। साल 2010 के चुनाव परिणाम की अगर हम बात करें तो इस चुनावी साल में भाजपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार विधायक चुने गए थे। उन्होंने 23,984 वोट हासिल किया था। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सीपीआई से महानंद प्रसाद को 19,982 वोट मिले थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर 4,202 रहा था। अब हम बात साल 2005 की करें तो इस चुनावी साल की तरफ मुड़े तो इस चुनावी साल में यहां लोजपा से दुलार चंद सिंह विधायक चुने गए थे। अब हम चुनावी साल 2000 के मूल्यांकन करें तो इस साल यहां के राजद के टिकट से अखिलेश प्रसाद सिंह विधायक चुने गए थे। अब हम साल 1995 की तरफ रुख करें तो इस साल यहां से जनता दल का वर्चस्व रहा था। जनता दल रविन्द्र सिंह विधायक हुए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों को अगर हम देखें तो अरवल सोन नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराया गया। वहीं अस्पताल का भी निर्माण हुआ। पुल पुलिया के निर्माण से भी बहुत सुविधा स्थानीय लोगों को मिली। विद्यालय भवन निर्मित कराए गए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर हो रही असुविधाओं से भी निजात दिलवाया गया। क्षेत्र के चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करें तो यहां शिक्षा के क्षेत्र में विकास की जरूरत है। इसके अलावा कृषि को लेकर भी कई प्रकार की जरूरतों को पूरा किए जाने की मांग बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अरवल विधानसभा में एनडीए के खाते में भाजपा के पास यह सीट गई है, तो वहीं महागठबंधन में यह सीट माले के खाते में गई है। भाजपा ने दीपक शर्मा को चुनावी मैदान में उतारकर अपना भाग्य आजमाया है, तो वहीं माले ने महानंद प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, महानंद प्रसाद साल 2010 में विधायक रहे थे और उस समय भी उन्होंने भाजपा के चितरंजन कुमार को हराया था। अरवल से ज्यादा समय तक राजद का वर्चस्व रहा है, लेकिन वर्तमान लड़ाई माले और भाजपा के बीच में। ऐसे में देखना यह दिलचस्प है कि अरवल की जनता क्या करती है और किसे वोट करती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।